5, 4, 3, 2, 1 स्टार्ट। हिंदी और भारतीय भाषाओं को सम्मान दिलाने के प्रश्न पर युवा मुखर हो उठा है। वह आंदोलन, धरने, प्रदर्शन और भूख हड़ताल कर रहा है, तो साथ ही होटल, बाजार, रेल और बस में मातृभाषा की बजाय अंग्रेजी बोलने वाले युवा वर्ग की बहार है। युवा मन में यह दोहरापन क्यों है? क्या चाहता है युवा? हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं को सम्मान का दर्जा दिलाएगी यह चुकी हुई पीढ़ी या युवा वर्ग? हिंदी के साहित्य के साहित्यकार ऐसे युवा वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं जो अंग्रेजी के स्थान पर हिंदी का प्रतिस्थापन तथा भारतीय भाषाओं को विकास के समान अवसर देने के पक्षधर हैं। अपनी सोच को उन्होंने 1980 में आकार दिया जब भारतीय प्रशासनिक सेवा परीक्षा हिंदी माध्यम में उत्तीर्ण करने वाले प्रथम अधिकारी धर्मवीर अधिकारी थे। वे कहते हैं कि मुझे इस बात का गर्व है कि भारतीय प्रशासनिक सेवा परीक्षा में हिंदी के माध्यम से प्रवेश करके अंग्रेजी की सहायता के भ्रमजाल को तोड़ा। उस समय तक प्रशासनिक सेवा परीक्षा देने वाले युवा के मन में हीन भावना रहती थी कि हिंदी के माध्यम से परीक्षा देने पर संभवतः चयन नहीं हो सकेगा। मेरे चयन से यह भ्रम टूट गया। उच्च शिक्षा, प्रशासनिक सेवाओं और अन्य उच्च पदों पर हिंदी के प्रवेश पर वे कहते हैं हजारों वर्षों की गुलामी का असर सिर्फ 40 सालों में चला जाएगा। हम इसकी अपेक्षा कैसे करें? हमारे संविधान में दो अत्यंत महत्वपूर्ण और क्रांतिकारी कदम उठाए थे। पहला, वर्षों से कुचली और प्रताड़ित की गई असभ्य जनता की भाषा बताई जाने वाली हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया। दूसरा, यह कि हजारों वर्षों से अपमानित, शोषित, अछूत वर्ग को न केवल बराबरी का अधिकार दिया बल्कि उनके विकास के लिए विशेष व्यवस्था भी की। संविधान में राजभाषा का दर्जा दिए जाने के बावजूद भी हिंदी को संवैधानिक अधिकार दिलाने के लिए आंदोलन की जरूरत क्यों पड़ रही है? आंदोलनरत युवा वर्ग सशक्त और निर्णायक स्थिति में क्यों नहीं है? इस प्रश्न पर वे बहुत सटीक बात कहते हैं। अंग्रेज चले गए, राजनीतिज्ञों को सत्ता मिल गई, पूंजीपतियों को सुविधाएं और विशाल बाजार मिल गया। जमींदारी प्रथा समाप्त होने का कारण यह था कि वे आजादी के शत्रु थे, यानी तंत्र में बुनियादी परिवर्तन नहीं आया, नौकरशाही पूर्ववत रही, एक ऐसे वर्ग के हाथ प्रशासन की बागडोर रही जो अंग्रेजी भाषा के अलावा किसी अन्य भारतीय भाषा में निपुण नहीं था, मानसिक रूप से गुलाम था। सत्ता में एक बार आया व्यक्ति कभी नहीं चाहता कि सत्ता उसके हाथ से छिन जावे। प्रशासनिक अधिकारी अंग्रेजियत में रंगे थे। उन्हें पता था कि उनके बच्चे एक छोटे से अंग्रेजी जानने वाले समूह में से प्रशासनिक अधिकारी चुने जा सकते हैं। संपूर्ण भारतीय युवाओं के बीच हिंदी या अन्य भारतीय भाषाओं के माध्यम से वे पिछड़ जाएंगे, इसलिए उन्होंने अंग्रेजी की अनिवार्यता को बनाए रखा।
वर्ग विशेष के बच्चे डॉक्टर, इंजीनियर और प्रशासनिक अधिकारी बनते रहे। आज तक यह स्थिति बनती चली आ रही है। क्या इस स्थिति के लिए सिर्फ प्रशासनिक अधिकारी दोषी हैं? उन्होंने कहा, वास्तव में दोषी तो जनता और विशेषकर युवा वर्ग हैं।